पे हम बात करने वाले हैं सीपीएल टी20 के अगले मुकाबले के बारे में, जो भी काफी शानदार मुकाबला होने वाला है पीकेआर वर्सेस बारबाडोस के बीच में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम जानेंगे टॉप प्लेइंग 11 के बारे में, ड्रीम 11 टीम के बारे में, और फ्रेंड्स आज के मैच में आपको कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे, साथ ही हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके जरूर बताइए, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, उनके चेंजेस के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो मुकाबला खेला जाने वाला है वो होने वाला है बैंगलोर स्टेडियम ट्रिनाथ पे। हम बात करें यहाँ के पिच रिपोर्ट के बारे में, तो फ्रेंड्स यहाँ की जो विकेट रहती है थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहती है, हालांकि थोड़ी सी न्यूट्रल विकेट के चल सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो एडवांटेज मिलता है वो मिलता है यहाँ पर बैट्समैन को। हम बात करें दोनों टीम की प्लेइंग 11 को लेकर, तो फ्रेंड्स केकेआर की जो प्लेइंग 11 है कुछ इस प्रकार रह सकती है। लेंडी सीमा सुनील नारायण आपको यहाँ पर ओपन कर नजर आ सकते हैं, कॉलिंग मुंडो, हालांकि फ्रेंड मैंने जो आपको रिकॉर्ड दे रखा है वो लास्ट मैच का दे रखा है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान में रखेगा। तो फ्रेंड लेंडी सीमा सुनील नारायण ओपन करते हुए नजर आएंगे, कॉलिंग मुंडो फर्स्ट डाउन बैटिंग करेंगे, डेरिन ब्रावो है दिनेश रामदीन। तो फ्रेंड दिनेश रामदीन का बैटिंग ऑर्डर यहाँ पर फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नंबर 3 पर भी बैटिंग कर सकते हैं, कहीं पर नंबर 5 पर भी बैटिंग करने आ सकते हैं। किरण पोराड, फ्रेंड्स किरण पोराड आपके लिए बेनिफिशियल जब रहेंगे, जब पहले बैटिंग जो है टीकेआर की आती है, अगर बाद में टीकेआर की बैटिंग आती है तो कहीं ना कहीं ड्रॉप करके चल सकते हो। सुकेशु दर्शन है इन्हें आप लेकर चल सकते हो। क्रिस जॉर्डन है, पिछले महीने काफी अच्छी बॉलिंग की थी, अखिल हुसैन, खालिद पेरी और अली खान। और फ्रेंड्स इस टीम में आपको क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, तो फ्रेंड लास्ट मैच में जिम्मी निशम नहीं खेले थे, आप सभी को पता है जिम्मी निशम की जगह जो खेले थे वो खेले थे एस प्रसन्ना। अगर जिम्मी निशम आज पूरी तरह से फिट होते तो यहाँ पर आपको एस प्रसन्ना की जगह आ सकते हैं, तो वहीं पर दूसरा जो शॉट रिस्की रह सकता है वो रह सकता है अखिल हुसैन की जगह, कहीं ना कहीं यहाँ पर जेवन सिल्वर को मौका दिया जा सकता है। अगर मुझे नहीं लगता कोई भी चेंज यहाँ पर टीकेआर की टीम से बन सकता है। हम बात करें बारबाडोस को लेकर, तो फ्रेंड जॉनसन साक्स बहुत ही तगड़े प्लेयर है, आप सभी जानते हो, हालांकि लास्ट में जल्दी आउट हो गए लेकिन इनकी बैटिंग काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। फिर हम बात करें एलेक्सेल, आप सभी जानते हो शाकिब अल हसन है, शाई होप है, जेपी डुबिनी, कहने का मतलब इनका जो बैटिंग ऑर्डर है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ से नजर आता है। जोनाथन कार्टर लास्ट में काफी अच्छा खेले थे 49 रन, वहीं पर जेसन होल्डर ने भी 29 रन प्लस एक विकेट लिए थे। राइमन रेफर को आप लेकर चल सकते हो, एस्क्रीन नर्स है, हाइड एंड बॉल्स बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, वहीं पर हैरी गुरनी बहुत ही शानदार गेंदबाजी, हालांकि इस सीजन इतना अच्छा इनके लिए नहीं रहा है। और फ्रेंड्स क्या चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, मुझे नहीं लगता अपनी प्लेइंग 11 में किसी भी तरह का कोई चेंज यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या रहेगी आज के नाइट ऑफ ड्रीम 11 से 11, साथ हम बात करेंगे फैंटेसी पावर 11 टीम के बारे में, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पर मैंने तीन टीम क्रिएट करके रखी है, तीनों टीम के बीच हम कंपेयर करके देखेंगे किस तरह से हम यहाँ पर एक बेहतरीन टीम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम वन के बारे में, जो कि आप हेड टू स्मॉल लीग्स के लिए डाल सकते हो, या फिर आप चेंजेस करना चाहो तो इनको अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स विकेटकीपर सेक्शन की बात करें, शाई होप अवेलेबल है, जॉनसन चार्ल्स अवेलेबल है, दिनेश रामदेव अवेलेबल है, तीनों में से आप किसी भी लेवल पर चल सकते हो, तीनों के तीनों काफी अच्छे बल्लेबाज है, स्पेशली बात की जाए शाई होप और जॉनसन चार्ल्स की। तो हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ से बैटिंग ऑर्डर को लेकर, उससे पहले फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं मैं जो लेकर चलूंगा वो लेकर चलूंगा जॉनसन चार्ल्स को, पहला बहुत अच्छी फॉर्म में, दूसरा क्रेडिट मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। फिर आप क्रेडिट मैनेज कर पाओ तो यहाँ पर शाई होप को लेकर चल सकते हो, जो कि मिनी गिल्ड लीग के लिए सबसे अच्छी चॉइस रहेगी, अगर टॉप ऑर्डर यहाँ से गिरता है तो कहीं ना कहीं आपको बेहतरीन पारी खेलकर मिनी गिल्ड लीग यहाँ पर वन करते हैं। हम बात करें बैटिंग ऑर्डर को लेकर, लिंडी सिमंस कैप्टन वाइस कैप्टन के बेहतरीन चॉइस रहेगी, इन्हें आप लेकर चल सकते हो। किरण पोलार्ड, फ्रेंड्स किरण पोलार्ड को लेने का एक ही मकसद है, अगर तो पहले इनकी बैटिंग आती है टीकेआर की बैटिंग आती है तो आप यहाँ पर किरण पोलार्ड को लेकर चल सकते हो, अगर बाद में बैटिंग आती है क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा नीचे, अगर बैटिंग आएगी तो कितने रन के लिए, 15 या 20 रन या 25 रन के लिए, अगर पहले बैटिंग आती है तो आप यहाँ पर किरण पोलार्ड को लेकर चल सकते हो, काफी ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए हो सकते हैं। हम बात करें यहाँ से कॉलिन मुंडो की, आप चाहे लेकर चल सकते हो, लेकिन फ्रेंड मुझे बहुत ही खराब प्लेयर लगता है कॉलिन मुंडो, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन आपको बता रहा हूँ। फिर हम बात करें एलेक्स हेल को लेकर, एलेक्स हेल को आप लेकर चल सकते हो। डेरेन ब्रावो, और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखोगे डेरेन ब्रावो को लिया है मैंने, क्यों लिया है इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा टीम के प्रीव्यू में। फिर फ्रेंड्स जोनाथन कार्टर है, 39% लोगों ने ले रखा है लास्ट के मैच को देखकर, आप चाहे आप भी लेकर चल सकते हैं। नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो मिलेगा एस्क्रीन नर्स का, हालांकि फ्रेंड्स गेंदबाज है लेकिन यहाँ पर अभी इनसे ज्यादा ओवर करवाए नहीं जा रहे, वो ओवर करवाए भी जा रहे हैं तो ज्यादा कोई बेनिफिशियल हो नहीं रहे। तो फ्रेंड मैं जो बैट्समैन लेकर चलूंगा लिंडी सिमंस, एलेक्स हेल आपके लिए ऑब्वियस पिक रहेगी, इन दोनों का बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर सकते। अब तीसरा जो आपको प्लेयर लेना है वो लेना है या तो आप किरण पोलार्ड को लो या आप लोग कॉलिन मुंडो को, हालांकि फ्रेंड मैंने ओनली यहाँ पर लिया डेरेन ब्रावो को, इसका रीजन भी आपको बताने वाला हूँ टीम के प्रीव्यू में। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें, सुनील नारायण, शाकिब अल हसन, इन दोनों ही प्लेयर को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है। शायद सुनील नारायण को बल्लेबाज इसलिए कहूंगा क्योंकि ओपन करेंगे और साथ साथ चार ओवर करेंगे तो हर मैच में एक से दो विकेट तो लेते ही लेते हैं। फिर हम बात करें यहाँ से जिम्मी निशम की, तो एस प्रसन्ना की जगह खेल सकते, अगर टॉस के बाद खेलते तो आप लेकर चल सकते हो, लास्ट मैच में नहीं खेले। जेसन होल्डर की बात करें,
गेंदबाजी काफी अच्छी है, एक से दो विकेट लेंगे और अगर बैटिंग आती है तो 15-20 रन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जेपी डुमिनी। अब फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं यहां पर 63% लोगों ने जेपी डुमिनी को लिया, लेकिन फ्रेंड्स जेपी डुमिनी का बॉलिंग करना कंफर्म नहीं है, बैटिंग करने आएंगे नंबर 4 या नंबर 5 पर बैटिंग करने आएंगे, वहां पर अगर जल्दी बैटिंग आ जाती है तो 30 से 40 रन बना सकते हैं। अगर आप एज ए बैट्समैन देख रहे हो तो ही जेपी डुमिनी को लेना, अगर आप एज ए बॉलर देखकर जेपी डुमिनी को ले रहे हो तो बिल्कुल भी अपनी टीम में पिक मत करना। अगर पहले बैटिंग आती है तो आप जेपी डुमिनी को यहां से लेकर चल सकते हो, हालांकि जेसन होल्डर को आप यहां पर बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, अगर एक विकेट भी लेंगे तो आपको यहां से काम कर देंगे। नीचे के ऑप्शन रहेंगे सारे के सारे आपके लिए यहां पर रिस्की रहने वाले। बॉलिंग की बात करी जाए तो ये दोनों ही प्लेयर नहीं खेलेंगे, इन दोनों को आपको नहीं लेना है। फिर हम बात करें हैरी गुरनी की, बहुत ही शानदार बॉलर हैरी गुरनी को आप लेकर चल सकते हो। क्रिस जॉर्डन लास्ट मैच में 3 विकेट लिए थे, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी। फिर हम बात करें यहाँ से हैरी पेरी को लेकर चल सकते हो, जितने अच्छे बल्लेबाज जितने अच्छे गेंदबाज है उतनी अच्छी इनकी बैटिंग भी है, बैटिंग जल्दी आ जाती है तो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करेंगे। अली खान की बात की जाए ठीक ठाक ऑप्शन है, ज्यादा इतना अच्छा ऑप्शन है नहीं अली खान। फिर नीचे के ऑप्शन की हम बात करें हेडन वोल्स की, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इस सीजन में, धूम मचा रखी है तो इस प्लेयर को आप बिल्कुल यहाँ से मिस नहीं कर सकते। नीचे के ऑप्शन सारे के सारे आपके लिए यहाँ पर रिस्की रहने वाले। अब फ्रेंड्स मेरी जो पहली चॉइस रहेगी यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, हालांकि आपके पास दोनों ही बेस्ट गेंदबाज है, हैरी गुरनी है क्रिस जॉर्डन है, हालांकि हैरी गुरनी को मैं नहीं ले पाया क्रेडिट की प्रॉब्लम की वजह से, और ये सीजन इनका इतना अच्छा भी नहीं जा रहा, दूसरा रीजन ये रहा था, तो क्रिस जॉर्डन को मैंने लिया है, अली खान को मैंने लिया है, वहीं पर हेडन वोल्स तो हमारी ऑब्वियस पिक बन जाती क्योंकि काफी अच्छे विकेट ये चटका रहे हैं। अब फ्रेंड्स टीम की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स जॉनसन चार्ल्स ऑब्वियस पिक है, यानी सिमन को आपको लेना ही है, एलेक्स हेल को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, सुनील नारायण, शाकिब हसन, क्रिस जॉर्डन, हेडन वॉल्स, तो फिर ये जो प्लेयर है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाले, चाहे आप स्मॉल लीग खेलो चाहे आप ग्रेन लीग खेलो। फिर फ्रेंड्स बात आती है यहाँ से जेसन होल्डर की, इनको हम लेके चलेंगे एज ए बॉलर के तौर पर, वहीं पर जेपी डुमिनी को मैंने लिया एज ए बैट्समैन। आप ये सोचकर नहीं चल सकते कि जेपी डुमिनी बॉलर करेंगे, अगर टीम को जरूरत पड़ी तो ये ओवर करेंगे, अदरवाइज जेपी डुमिनी ओवर नहीं करेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखकर चलना। अली खान ठीक ठाक ऑप्शन है तो यहाँ पर मैंने अली खान को लिया। अब फ्रेंड्स एक जो प्लेयर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं डेरेन ब्रावो बहुत ही कम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे, इनको लेने का मेरा रीजन यही है कि सबसे पहले तो 8.5 पॉइंट में एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो मुझे बेहतरीन लग रहा है। अब फ्रेंड्स किरण पोलार की अगर पहले बैटिंग आती है तो कहीं ना कहीं आप जेपी डुमिनी या फिर जेसन होल्डर को ड्रॉप करके आप किरण पोलार को लेकर चल सकते हो, बैटिंग करेंगे तो बैटिंग से काफी अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है डेरेन ब्रावो को, उसका रीजन यही है क्योंकि सबसे पहली चॉइस यहाँ पर अगर मैं डेरेन ब्रावो को लेता हूँ तो मेरे पास जेपी डुमिनी आ जाते हैं, होल्डर दोनों ही प्लेयर आ जाते हैं, तो एक प्लेयर के लिए यहाँ पर मैं दो बड़े प्लेयर को मिस नहीं कर सकता। अब सेकंड टीम की हम बात करें तो फ्रेंड्स सेकंड टीम आप मेरी देख सकते हो थोड़ी सी आपको यूनिक देखने को मिलेंगी, जॉनसन चार्ल्स को मिली है, एलेक्स हेल को मिली है, लिंडी सिमन को लिया है, शाकिब, जसन, सुनील नारायण, क्रिस जॉर्डन, अली खान और हेडन वॉल्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पर दो चेंजेस मैंने किए, पहला डेरेन ब्रावो की जगह कॉलिन मुंडो को लिया, दूसरा मैंने चेंज किया जेपी डुमिनी की जगह यहाँ पर मैंने दिनेश रामदिंग को लिया। अगर पहले रहना दिनेश रामदिंग की बैटिंग जल्दी आ जाती तो कहीं ना कहीं अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी बल्लेबाजी से। अब तीसरी आप टीम देखोगे मुझे थोड़ी सी बेटर टीम यहाँ पर लग रही है तीसरी, उसका रीजन आप देख सकते हो, अगर पहले किरण पोलार्ड की बैटिंग आती है मतलब केकेआर की बैटिंग आती है तो किरण पोलार्ड, लिंडी सिमन, सुनील नारायण, क्रिस जॉर्डन, अली खान, शाकिब हसन, जेपी डुमिनी, एलेक्स हेल, हेडन वॉल्स और जॉनसन चार्ल्स जैसे बेहतरीन मुझे यहाँ पर प्लेयर मिल जाते हैं। हालांकि खारी पेरी की बात करूँ तो पिछले 2-3 मैचों में इन्होंने काफी अच्छे विकेट चटकाए, आप चाहे तो इनकी जगह दिनेश रामदीन को लेकर चल सकते हो या फिर किसी बल्लेबाज को लेकर चल सकते हो, अदरवाइज एक परफेक्ट मुझे यहाँ पर लग रही है। लेकिन एक कमजोरी इस टीम में ये है कि यहाँ पर हमारे पास जेसन होल्डर नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखकर चलना। इसीलिए फ्रेंड मैं जो जाने वाला हूँ वो जाने वाला हूँ टीम 1 के साथ में, अगर 11 प्लेयर यहाँ पर खेलते हैं तो सेम टीम में होगा, किसी भी तरह का कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं करने वाला। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं, चलते हैं फैंटेसी पावर 11 की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं मेरे फेवरेट है फैंटेसी पावर 11 के ऐप पर, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और फ्रेंड्स यहां पर आप पेटीएम में विड्रॉ ले सकते हो, बैंक में विड्रॉ ले सकते हो, काफी फास्ट इनका विड्रॉल है, 1 मिनट में ही आपको विड्रॉल यहां पर दे रहे हैं। टीम की बात करें शाही होप एकमात्र ऑप्शन है यहाँ पर विकेट कीपर में क्योंकि जॉनसन चार्ल्स यहाँ पर दे रखे हैं बैटिंग ऑर्डर में, एलेक्स हेल को मैंने लिया है, किरण पोलार्ड को लिया है, लिंडी सिमन को लिया है, वहीं पर जेसन होल्डर मेरे पास आ गए, हेडन वॉल्स आ गए, हैरी गुरनी को मैंने लिया है, क्रिस जॉर्डन, सुनील नारायण और शाकिब हसन। एक परफेक्ट टीम मुझे जो लग रही है वो लग रही है यहाँ पर फैंटेसी पावर 11 के ऐप पे, आप चाहे तो 1 से 2 चेंजेस यहाँ पर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, जो माई टीम 11 का है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, माई टीम 11 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उन दोनों ही ऐप आप खेल सकते हो, दोनों ही काफी अच्छी ऐप है। हालांकि मेरा जो इन्वेस्टमेंट हाई रहता है वो रहता है फैंटेसी पावर 11 और माई टीम 11 के ऐप पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।